नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नए इंटरेस्टिंग टेक न्यूज रूमर्स और लीक्स के एपिसोड में। और आज का ये एपिसोड है गेमिंग लैपटॉप को लेके, या फिर हम कहें सिंपली लैपटॉप को लेके, जिस पे कि आप गेम खेल सकते हैं, क्योंकि स्पेक्स काफ़ी बढ़िया निकल के आए हैं। जो रिपोर्ट्स और टेक न्यूज़ वगैरह आज की जो निकल के आ रही है, उसको अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये है लैपटॉप से रिलेटेड बेसिकली। तो वीडियो को अंत तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं उसमें डिटेल। चलिए देख लेते हैं इस वीडियो में क्या क्या आपको स्पेसिफिकेशन वाले लैपटॉप देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आ गए हैं डेल के एलियनवेयर सीरीज के अंदर कुछ नए लैपटॉप, जहाँ पे आपको M15 में आपको आर सीरीज और जी सीरीज, मतलब अलग अलग तरह के। वैसे तो मैं ज़्यादा कुछ डेल के बारे में इतना नहीं जानता हूँ, इसमें क्या क्या सीरीज आती है, क्योंकि दूसरी कंपनीज भी काफ़ी ज़्यादा सीरीज रिलीज करते हैं। तो देख लेते हैं इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलते हैं। अभी अगर अपन टेक्निकल स्पेक्स की बात करें, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है एलियनवेयर M15R3, जहाँ पे कि आपको देख, जो कि एक तरीके से सक्सेसर है, ऐसा रिपोर्ट्स में निकल के आ रहा है M15R2 का, जहाँ पे कि आपको अब देखने को मिलेगा i9HK प्रोसेसर्स आपको अब देखने को मिलेंगे, यानी कि K सीरीज के बेसिकली प्रोसेसर्स आपको अब डेल के लैपटॉप में देखने को मिलेंगे इंडिया के अंदर, जैसे कुछ रिपोर्ट्स निकल के आ रही है। तो यहाँ पे आपको इस जो लैपटॉप की जो रेंज है, यहाँ पे आपको अप टू i9 10980HK प्रोसेसर्स आपको देखने को मिल जाएगा। मगर यहाँ पे एक चीज़ मेरे को समझ में नहीं आई, AMD की कोई चॉइसेस नहीं है इधर पे। अब पता नहीं कंपनी का इंटेल पे लाना चाहती है तो इंटेल पे लाए, हो सकता है फ्यूचर में आपको AMD राइजन सीरीज पे देखने को मिले। और इसी के साथ आपको यहाँ पे एनवीडिया जी फोर्स का 2080 सुपर देखने को मिल जाता है इसमें, मतलब यहाँ तक कि आपको ग्राफिक कार्ड्स देखने को मिल जाते हैं। और भी ग्राफिक कार्ड्स के रेंज होंगे, जैसे कि 1650 वगैरह आपको स्टार्टिंग वेरिएंट्स में TI यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसी के साथ 32 GB तक की रैम आपको देखने को मिल जाएगी, 1 TB की हार्ड डिस्क और SSD और RAID 0 कन्फिग्रेशन वाली आपको जो स्टोरेज यूनिट्स वगैरह जो कुछ भी है वो सब आपको देखने को मिल जाएगी एज पर द लैपटॉप स्पेसिफिकेशन। तो ये आपकी प्राइसिंग के ऊपर, बेसिकली पॉकेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने का क्या लैपटॉप चाहिए, उस हिसाब से आपको हार्डवेयर बेसिकली देखने को मिल जाएगा डेल के नए लैपटॉप्स में। इसी के साथ M15R3 की बात करते हैं, यहाँ पे आपको डिस्प्ले जो मिलता है 15.6 इंच का OLED स्क्रीन देखने को मिल जाएगी, और 144 Hz के साथ आपको यहाँ पे 1080p के वेरिएंट्स वगैरह भी एंट्री लेवल से देखने को मिलेंगे। इसी के साथ अब बात कर लेते हैं मेन प्राइसिंग की। इंडिया में तो ये लॉन्च हो चुका है, जैसे कि कुछ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है, अब अनाउंस हो गया है बेसिकली। अब लॉन्च में क्या, शायद से लॉन्च ही हो गया है, क्योंकि ये सब लैपटॉप जो गैजेट्स होते हैं वो कुछ टाइम बाद स्टोर्स पे आते हैं, जैसे कि ऑनलाइन जो आ जाते हैं मगर ऑफलाइन कुछ टाइम बाद आते हैं। तो वो लॉन्च में वो बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर ये बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है इंडिया के अंदर, तो कुछ ऐसा ही फंडा हो जाता है। तो ये आपको ऑनलाइन जितने भी रिटेल स्टोर से वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, इनफैक्ट डेल के इनके खुद के स्टोर पर तो मिलेगा ही मिलेगा, और ऑफलाइन आपको आपके जो भी कंप्यूटर डीलर्स वगैरह वो आपको ला देंगे, जो मल्टी ब्रांड आउटलेट्स होते हैं वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ अगर अपन यहाँ पे प्राइसिंग वगैरह की बात करें, तो स्टार्टिंग प्राइस है लगभग 2 लाख से थोड़ी कम, क्योंकि 1,99,990 रुपये से इसकी प्राइसिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। वैसे ये काफ़ी कॉस्टली लैपटॉप है। एलियनवेयर सीरीज का अगर आपने नहीं सुना है नाम, तो काफ़ी कमाल की सीरीज है, यहाँ पे आप गेम काफ़ी बढ़िया तरीके से खेल सकते हैं, और एडिटिंग वेडिटिंग तो हो ही जाएगी, जब गेम चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है एडिटिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इसी के साथ नेक्स्ट लैपटॉप की बात करें, तो G15 यानी कि आप जी सीरीज में भी आपको नए लैपटॉप्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं नेक्स्ट जेन के। और G15, अगर आप G5 का, G15 की मैं बात कर रहा हूँ, G5 का है 15 SE बेसिकली, यहाँ पे भी आपको 15 इंच का ही डिस्प्ले मिलेगा, तो शायद इसलिए इसका नाम G5 15 ऐसे ऐसे कुछ है। तो 15.6 इंच का फुल HD आपको OLED डिस्प्ले देखने को मिल रहा है 144 Hz के साथ, जो कि पैनल क्लॉक आपको हर्ट्स रेट मिल जाता है। इसी के साथ 4K 60 Hz के भी आपको यहाँ पे का स्क्रीन वगैरह देखने को मिल सकती है, ये वेरियंट टू वेरियंट डिपेंड करेगा। इसी के साथ आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं AMD राइजन को, ठीक है ना। एलियन वेयर में तो अभी ऑप्शंस वगैरह देखने को नहीं मिल रहा है, जैसे कि कुछ रिपोर्ट में जो मैंने इसके पहले थोड़ी देर पहले ही जस्ट बताया था लैपटॉप के बारे में, मगर इसमें आपको AMD राइजन सीरीज देखने को मिल जाती है 4600H, 4800H, और राइजन में आपको Ryzen 9 जैसे कि 4900H, मतलब तरह तरह के CPU ऑप्शन में, जैसे कि मैंने पहले ही करा, आपके पॉकेट के ऊपर डिपेंड करता है आपको कितने रेंज में क्या सा क्या डिवाइस चाहिए और किस परफॉर्मेंस और किस लिए चाहिए, तो ये सब उन चीज़ों पे डिपेंड करता है। और इसी के साथ आपको इन पे अगर अपन इनकी पेयरिंग की बात करें ग्राफिक कार्ड के साथ, यहाँ पे आपको NVIDIA के जगह AMD का है RX 5600M वगैरह का ग्राफिक कार्ड ऑप्शन वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि ठीक ही है। आप परफॉर्मेंस की बात करें, काफ़ी महंगे लैपटॉप्स होते हैं वैसे भी डेल के। इसी के साथ 8 GB की रैम के साथ इसका बेस वगैरह वेरिएंट शुरू हो जाएगा, और 512
GB की SSD के साथ ही आने वाला है। और अगर अपन इसकी इंडियन प्राइसिंग की बात करें, स्टार्टिंग प्राइस तो लगभग 74,990 रुपीज़ से शुरू हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट लैपटॉप की बात करें जो इंडियन एक तरीके से इनके पोर्टफोलियो में ऐड हुआ है अभी, वो है G515। तो एक ऐसी था और एक ये 15 है। यहाँ पे आपको इंटेल के 4 प्रोसेसर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि i5-10300H सीरीज का, ठीक है ना। इसी में i7 भी आपको 10750H देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको K सीरीज का नहीं मिलेगा। इसी के साथ अगर अपन ग्राफिक कार्ड की बात करें तो शायद से यहाँ पे आपको 1650 Ti से लेके 2070 सुपर तक आपको एनवीडिया की तरफ से देखने को मिल जाएगा। और स्पेशल एडिशन वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, आपके बजट के हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बेसिकली अगर अपन बात करें लैपटॉप आप कैसे खरीदते हो, तो अपनी रिक्वायरमेंट देख के ही आप खरीदते हैं। तो इसमें आपको अगर अपन प्राइसिंग की बात करें तो लगभग 82,590 रुपीज़ से प्राइसिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। इसी के अंदर एक और लैपटॉप की सीरीज इन्होंने ऐड किया इंडिया के अंदर, जो कि रिपोर्ट्स में निकल के आ रही है लीक्स रूमर्स और टेक न्यूज के एपिसोड में, तो Dell G315। यहाँ पे भी आपको 15 इंच का बेसिकली डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जैसे कि कुछ रिपोर्ट्स है। अब उससे कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, अलग अलग तरह की लैपटॉप से। तो बेसिकली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 15.6 इंच का फुल HD पैनल, FHD आपको देखने को मिल जाएगा। NVMe SSD वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है, जैसे कुछ रिपोर्ट्स निकल के आ रहे हो। 5400 RPM की SATA हार्ड ड्राइव आपको देखने को मिल जाएगी, यानी कि हार्ड डिस्क आपको बेसिकली 5400 RPM वाली देखने को मिल जाएगी। और कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी 1 TB की हार्ड डिस्क या जो भी हार्ड डिस्क है वो कितने RPM की, 72 RPM, 100 RPM वाली है या फिर 5400 RPM वाली है। आप कमेंट जरूर करना, देखते हैं किसके पास कौन सी कौन कितनी कैसी RPM वाली हार्ड डिस्क है। इसी के साथ अगर अपन इसकी रैम वेरिएंट्स की बात करें तो आपको अप टू 16 GB तक के रैम कॉम्बिनेशन वाला लैपटॉप यहाँ पे देखने को मिल जाएगा वेरियंट के अनुसार। और प्राइसिंग की बात करें तो स्टार्टिंग प्राइस लगभग 73,990 के ऊपर आपको देखने को मिलेगी, स्टार्ट हो जाएगी। ओवरऑल इन लैपटॉप सीरीज की बात करें तो ये सब 50,000 से ऊपर, और एलियनवेयर का तो 1 लाख के ही ऊपर है, लगभग 2 लाख के आसपास स्टार्टिंग हो रही है वेरिएंट। तो कुछ इस तरीके से एक तरीके से आपको ओवरऑल डेल की तरफ से हाई एंड लैपटॉप्स इंडिया के अंदर ये देखने को मिल रहे हैं, या फिर कि आपको तरह तरह के ऑप्शन में देखने को मिल जाएंगे। खैर एलियनवेयर में राइजन सीरीज नहीं है, मगर अदर लैपटॉप्स में आपको राइजन सीरीज देखने को मिल रही है, जो बताई मैंने जैसे स्पेसिफिकेशन वगैरह। तो आपको इंटेल राइजन के लेटेस्ट प्रोसेसर देखने को मिल रहे हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सपोर्ट वगैरह भी देखने को मिल रहा है। तो कुछ यही निकल के आ रही थी अगर अपन का इंडियन गेमिंग के लिए, अगर आपको लैपटॉप वगैरह देखने, तो उससे रिलेटेड जो लीक्स और रूमर्स और रिपोर्ट्स वगैरह जो निकल के आ रही थी, ये डेल के नए लैपटॉप्स को लेके जो कि रिवील हुए हैं ऐसे अपडेट्स के अनुसार इंडिया में जल्दी बिकना शुरू हो जाएगा बेसिकली, और आए बिक रहे होंगे शायद से अब तो 1-2 दिन में ही शायद से सेल वगैरह शुरू हो जाए। अब जो कुछ भी ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, मगर जो टेक न्यूज रूमर्स और लीक्स निकल के आ रही थी, उम्मीद कर रहा था मैं कि आपके साथ शेयर कर दूँ, तो शेयर कर दी मैंने। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, उसके बाद लाइक जरूर दबा देना, कम से कम 5-10 लाइक कर देना दोस्तों इस वीडियो को। और कमेंट जरूर करना कि आपकी हार्ड डिस्क कितनी RPM वाली है, नहीं पता है तो चेक करके जरूर कमेंट करना, देखते हैं अपन कौन कैसी हार्ड डिस्क यूज करता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो के देखने के लिए। मैं उसमें जल्दी मिलूंगा ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग टेक न्यूज रूमर्स और लीक्स के साथ, और ऐसे कुछ इंडियन गेमर के एपिसोड के साथ। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम सुमित राइट नाउ साइनिंग ऑफ फ्रॉम टेक केयर फॉर यू।